क्लास के प्रारंभ में जो गीत बजा तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा, एक बात बहुत ही रिमार्केबल इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कही गई थी कि बिना साधना के सिद्धि नहीं होती, साधना के बिना सिद्धि नहीं है। कई वाक्य बहुत छोटे होते हैं, उनमें शब्द बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत होता है। उनको अगर समय लिया जाए और उस पर आचरण किया जाए, व्यवहार में उन्हें लाया जाए, तो उससे प्राप्ति और उपलब्धि अपार होती है। साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी, ये बात जानते तो हम हैं सभी, जब तो हम साधना करते भी हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं इस बात को कि साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी। कई दफा हम ये समझने लग जाते हैं कि साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी, तो साधन इकट्ठे करने लग जाते हैं, धन और साधन, ये दो चीजें इकट्ठी करने लग जाते हैं बजाय साधना के। जबकि बाबा ये कहते हैं कि जमा करो योग की कमाई, अपने खजाने भरपूर करो, लेकिन हम समझते हैं कि जब तक धन नहीं होगा, अनेक प्रकार की सर्विस नहीं होगी, बड़े बड़े केंद्र नहीं होंगे, फिर हमें सेवा का अवसर कहाँ से मिलेगा, हमारा सेंटर छोटा कहलाएगा और औरों की तुलना में हम छोटी मानी जाएंगी, इत्यादि जो विचारों का तांता चलता है, उससे फिर हमारा अटेंशन उस तरफ हो जाता है कि साधन हो और धन हो। बहुत से लोग कई दफा जो केंद्रों पर आते हैं वो हमारे बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में आक्षेप भी करते हैं कि आपका जो ध्यान है वो धन और साधनों वालों की तरफ है, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, बेचारे, उनकी तरफ आपका ध्यान कम है। अब उनका ये कहना ठीक है या गलत है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता तो है कि हम उधर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और साधना में हमारा ध्यान कम हो जाता है। और खास करके अब जब से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तब से ही बाबा ये कहते चले आ रहे हैं समय बहुत कम है, लेकिन तब जब कहा जाता था समय बहुत कम है और उसके 10 साल बाद जब कहा जाता था समय बहुत कम है, उसके 30 साल बाद जब कहा जाता था समय बहुत कम है और आज भी कहा जाता है समय बहुत कम है, बात क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है? अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग परिस्थिति में एक ही शब्द का अर्थ बदलता रहता है, सदा किसी शब्द का एक अर्थ नहीं रहा। आप किसी भी शब्द को उसमें किसी शब्द का अर्थ देखेंगे तो हर एक शब्द अनेक अर्थक है, कई उसके अर्थ होते हैं, और खास करके जब कॉन्टेक्स्ट प्रसंग बदल जाता है तो अर्थ तो बदल ही जाता है। लेकिन अब इस बात में तो कोई शक की बात नहीं कि यह समय बहुत ही कम है। एक समय था जब मैं पहले आया था, तब भी जब ये कहा जाता था समय बहुत कम है, तो मेरे कुछ प्रश्न थे, मैं कुछ इस विषय में पूछना चाहता था, तो मुझे कहा गया कि आप मम्मा के साथ बैठो। पहले कुछ बहनों के साथ बैठने के लिए और प्रश्न करने के लिए कहा गया, बाद में जब कुछ मैं उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ तो ये कहा गया, सुझाव दिया गया, बाबा ने भी कहा कि आप मम्मा से बैठो, ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, सरस्वती मैया है, मुख्य रूप से इसको ज्ञान का कलश मिला है, माँ है, इसकी लोरी मीठी है, आप इनसे बात करो, मम्मा इस बच्चे की बात को सुनना, ये क्या कहता है, आप इसको जवाब देना। तो मुझे याद है तब भी मैंने मम्मा से कहा था कि मम्मा सारी सृष्टि कितनी बड़ी है, जरा जो दुनिया का नक्शा है उठा के हम देखें, जनसंख्या कितनी है, और जबकि
हम ये कहते हैं कि परमात्मा जब यज्ञ रचता है तो सब बच्चों को आमंत्रण देता है। कोई भी बाप अपने घर में कोई उत्सव करे तो उसका फर्ज बनता है सब बच्चों को बुलाए कि बच्चे आओ। और उन दोनों बाबा ये कहते थे कि ये निमंत्रण सबको जाना है, किसी ईश्वरी विश्वविद्यालय का निमंत्रण गाया हुआ है। और कुछ ऐसे साक्षात्कार भी कराए गए थे कि कुछ थे जिनको ये निमंत्रण मिला नहीं था और स्वयं भगवान को जाना पड़ा था उनको निमंत्रण देने के लिए किसी रूप में, ऐसा भी मुझे बताया गया था। मैंने उसकी डिटेल है, इसकी चर्चा इस समय नहीं करता, लेकिन भाव कहने का यह है कि मैंने उनसे कहा कि ऐसे साधन कहाँ हैं और इतने हम मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते हैं जबकि इतनी हमारी अपोजिशन है और समय जो कम है। उस समय जो कम सब की जो व्याख्या की जाती थी, जो गणित में अंक उसके दिए जाते थे, फिगर्स दिए जाते थे, बहुत ही कम थे, अनबिलीवेबल जैसे लगते थे कि इतने थोड़े से समय में विश्व में संदेश मिल जाएगा अनेक भाषाओं में। तो उस समय भी कम था, अब भी कम है, लेकिन उस समय तो हम समझते थे कि कम तो है और ये समझ के ही चलना चाहिए कम है, और हर एक को अपने व्यक्तिगत समय का तो पता नहीं है, इसलिए हमको तो यही समझ कर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता था कि ऐसा नहीं है कि कोई साल दो तीन साल चार साल में ये सारी दुनिया को कोई संदेश मिल जाएगा और हम सब परम धाम को लौट जाएंगे। अपनी स्थितियों को देखते थे, संस्कारों को देखते थे, सर्वगुण संपन्न 16 गला संपूर्ण इत्यादि की जो हमें देवी देवताओं के बारे में परिभाषा उनकी व्याख्या दी जाती थी उसको सुनकर भी जब अपने अंदर झांकते थे तो हम समझते थे इसमें मेहनत की जरूरत है और उसके लिए समय की जरूरत है। परंतु अब जब हम देखते हैं कि समय कम बाबा कहते हैं, जबकि इतने वैज्ञानिक साधन बन गए हैं कि कितनी जल्दी से संसार में मैसेज जाता है, उसमें कोई ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति अधिक हो जो जगह जगह खुद जाए चलकर और संदेश दे इत्यादि और बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से इस विषय को नहीं लेना चाहता, परंतु इतना केवल इशारा देना चाहता था कि अब जो समय कम है वो तो सही लिटरल मीनिंग में जिसको कहा जाए शब्दार्थ में और यथार्थ में कम है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये संदेहातीत है बात। इट इज अबव एनी डाउट, इट इज डाउटलेसली ट्रू। कई चीजें सत्य होती हैं लेकिन उसके बारे में हमारा मन कहता है लगती तो सत्य है परंतु शब्द हम उसके साथ लगाते हैं। और कई ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं ये तो निश्चित रूप से सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये निस्संदेह सत्य है, इस बात को हम समझते हैं। उस बात को अगर आप मन में रखें कि समय बहुत कम है, नहीं बल्कि बहुत ही कम है, उसको अगर आप मान के चलें, तो अभी कई मुनियों ने बाबा जो कुछ समय से कहते चले आ रहे हैं और अब उसको बार बार दोहरा रहे हैं कि एवर रेडी रहो, एवर रेडी। बच्चे अचानक सब कुछ होगा, ये दो शब्द अपने सामने रखिए, अचानक जो अभी बाबा कहने लगे हैं बार बार, अचानक होगा और एवर रेडी रहो। एवर रेडी पहले की व्यक्त वाणी आप उठा के देखें तब भी बाबा कहते रहे कि एवर रेडी रहो, लेकिन अब तो बाबा खास बार बार हमें दोहरा के कहते हैं। कई दफा कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कई दफा कह चुका हूँ, अब इसके बाद ये नहीं कहना कि हमने कहा नहीं। तो वैसे ही बात दोहराई जा रही है ताकि हमें ये कहने का मौका ना हो कि हमें कहा नहीं गया या कान खोल कर हमने सुना नहीं, हम जागे हुए नहीं थे, हमें जब कहा गया तो हम आधी नींद में थे। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गाड़ी स्टेशन के नजदीक आती है सोए पड़े होते हैं, उनको कहो स्टेशन आ गया है, वो आधी नींद में सुनते नहीं है, जब तक उनके ऊपर से कंबल खींचो नहीं वो उठते नहीं। कईयों की नींद ऐसे आ जाती है
कि अगर उनको उठा के निगम बोध घाट भी ले जाओ तो उनको पता नहीं होता कहाँ लेके जा रहे हैं। वो तो वहां जाकर जब देखते हैं कि राम नाम सत्य है की आवाज आ रही है ज्यादा जोर से और अग्नि झटक रही है, तब वो उठते हैं कि पता नहीं इसके बाद तो बचेंगे भी नहीं। तो बार बार हमें ये कहा जा रहा है एवर रेडी रहो, समय बहुत कम है और अचानक सब कुछ होगा। तो एवर रेडी बनने में हमारा अभिप्राय क्या है? हम अपने से पूछना चाहते हैं कि हम एवर रेडी शब्द तो सुन लिया हमने, लेकिन क्या रेडी करना है? रेडी शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? वैसे इधर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में रेडी सरनेम वाले भी लोग होते हैं, ये वो रेडी नहीं है, वो तो पहले ही रेडी है। जिनकी सरनेम या सब कास्ट ही रेडी है वो तो मेरे ख्याल में जब से जन्म लिया है वो एवर रेडी है ही। लेकिन मैं जो रेडी की बात कह रहा हूँ, क्योंकि चन्ना रेडी आए थे अपने, और कुछ अगर आप ना भी जानते हैं तो वो भी रेडी ही थे। तो हमको कैसा रेडी होना है? एवर रेडी। वो भी व्हाट डू यू मीन बाय एवर रेडी? इससे हमारा भाव क्या है? किस किस बात में हम रेडी हों, ये सोचने की जरूरत है। हम लोग सुनते अधिक हैं, मनन कम करते हैं, चिंतन कम करते हैं, उसकी गहराई में कम जाते हैं और आचरण तो उससे भी ज्यादा कम करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनन, ज्ञान श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निध्यध्यासन। निध्यध्यासन का मतलब है उसकी गहराई में जाके उसको आचरण में लाओ। जब तक वो नहीं लाओगे तब तक वो ज्ञान जो है अपने जीवन में उतरेगा नहीं, पूरी रूप से धारणा में आएगा नहीं। तो किस किस बात में हमें एवर रेडी होना है ये हमें समझने की जरूरत है। जब से हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए, सप्ताह कोर्स हमने लिया, अलिफ और बे हमें बताया गया और परमपिता परमात्मा का परिचय हमें दिया गया, तो हमने ये समझ लिया। उसके बाद भी जो हम मुरली सुनते हैं, प्रतिदिन क्लास में आते हैं, यह है कि ज्ञान तो हमें है ही, इस बारे में तो हम एवर रेडी हैं। सोच ली कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट ज्ञान का है, क्या हमने जो सुनना था समझना था, ज्ञान की जो गहराई है, क्या हमने वो समझ ली? जो जानना था वो जान लिया? जैसे हम कहते हैं पाना था जो पा लिया, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हमने जो जानना था वो जान लिया? एवर रेडी होने के लिए पहली बात तो ये है कि क्या हमने जो जानना था वो जान लिया, यथार्थ रूप में जान लिया? सोचिए जरा, क्या हमने जो जानना था वो यथार्थ रूप में, जिसको कहते हैं एकदम इत्थम, ये ऐसा ही है, द्वितीय नास्ति, इसका दूसरा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है, क्या इस रूप से हमने जान लिया? जिसको बाबा कहते हैं यही है यही है यही है, लोग ऐसा कहेंगे जब समय आएगा, तो क्या हमारी माइंड में भी ये बात इस ढंग से सेट हो गई कि यही है यही है यही है? और यही भी क्या है, जिस गहराई में जो शांति सागर की बात हम कह रहे थे, ज्ञान सागर में भी हम लहराए, ज्ञान को हमने पूरी रूप से समझ लिया? एक एक चीज को आप देखते जाइए एवर रेडी होने के लिए। एक पुस्तिका किसी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से छपी हुई है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है और वो क्या करता है क्या नहीं करता। होना तो यही चाहिए था क्या करता है इतना ही कह दिया जाए, लेकिन क्या नहीं करता भी बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि परमात्मा स्थापना पालना और संहार करते हैं, लेकिन उसका रूप वो और बताते हैं बिल्कुल, जो कि वो करता नहीं वास्तव में। तो इसलिए पूरे तरीके से बताने के लिए जरूरी था उसका परिचय देने के लिए कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। तो क्या हमने भी परमात्मा को उस रूप से पहचान लिया है? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमने उस रूप से उस रीत से पहचान लिया हो तो हमारे जीवन में, हमारे सामने कोई जिसको कहें कि पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती।
जिसको हम आम अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की भाषा में कहते हैं कि मूझ मूझ नहीं हम सकते। There will never be any confusion in our mind। हमारा माइंड कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, वो संपूर्ण रूप से प्रकाश देता है। और मैं समझता हूँ कि विश्व का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर बाबा ने प्रकाश न डाला हो। हमारी जो सिद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न उपस्थित होते हैं, उस पर उसका हल बाबा ने ना बताया हो, कोई बात ऐसी नहीं है। उसका विस्तार, उसकी व्याख्या, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई तो बताई जा रही है, लेकिन बता तो दिया ही गया है। तो इसलिए क्या ज्ञान के जो उस भाव को हम समझते हैं,